हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया होंगे। आज मैं बनाने जा रहा हूँ रॉयल फलूदा। स्पेशल बनने वाला है, पूरा वीडियो को जरूर देखें। रॉयल फलूदा के लिए मैंने यहाँ पे ले रखा है फलूदा सेब, सब्जा सीड। दोस्तों मैं सारा प्रैक्टिकली बना के आपको दिखाऊंगा। स्ट्रॉबेरी जली, गरम वाले आइटम को ठंडा होने के बाद ही यूज़ करना है। रॉस मिल्क, फ्रूट्स नट्स के साथ मैंने ले रखा है यहाँ पे टूटी फ्रूटी। दोस्तों यहाँ पे मैंने ले रखा है फलूदा सेब, इसको करेंगे हम बॉईल। बॉईल करने के लिए मैंने ले रखा है आधा लीटर पानी। पानी को गर्म होने देंगे, उसके बाद फलूदा सेब को करेंगे बॉईल। 3 से 4 मिनट हमें इसे बॉईल करना है। बॉईल होने के बाद हम इसको छन्नी कर देंगे। छन्नी करने के बाद इसमें डाल देंगे ठंडा पानी, जिससे चिपकेगा नहीं। अब यहाँ पे हमारा फलूदा सेब रेडी हो चुका है। इसमें मैंने डाल दिया ठंडा पानी। इसको करते हैं साइड और बनाते हैं दूसरा आइटम। ये जली बनाने के लिए मैंने ले रखा है जली, और उसके लिए थोड़ा सा पानी और चीनी। यहाँ पर मैं जली को भिगोने के लिए डाल रहा हूँ थोड़ा सा पानी। पानी के साथ जली को अच्छी तरह मिक्स करना है। यहाँ पर मैं 200 से 250 ml पानी को गर्म करूँगा और उसमें ऐड कर दूँगा चीनी। मुझे यहाँ चीनी ज़्यादा पसंद है, मैं ज़्यादा डालूँगा। अगर आपको कम पसंद है तो कम डालें। उसके बाद इसमें कर देंगे जो जली भिगा रखी है, उसको हम इसमें कर देंगे ऐड। मैंने यहाँ पर एक बॉल ले रखा है, बॉल में मैं डालूँगा स्ट्रॉबेरी सिरप। इसके ऊपर हम डाल देंगे जली वाला पानी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसको ठंडा होने के बाद मैं डाल दूँगा इसको फ्रीजर में कम से कम आधा घंटा के लिए। उसके बाद हमारी जली हो जाएगी सेट। अब बनाएंगे हम यहाँ पर रॉस मिल्क। मैंने यहाँ पर ले रखा है दूध, चीनी और रॉस एसेंस। आधा लीटर मैंने यहाँ पर दूध ले रखा है। पे दूध को करेंगे गरम और उसमें ऐड कर देंगे चीनी। अब यहाँ पर दूध गरम हो चुका है, इसको डाल देंगे एक बॉल में। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा रॉस एसेंस। इससे क्या होगा ना, दूध का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको ठंडा होने तक हम ले लेते हैं सब्जा सीड। सब्जा सीड को फुलाने के लिए हम डाल देंगे थोड़ा टाइम के लिए पानी में। अब हो गया है यहाँ पे हमारा सामान सब रेडी। अब बनाते हैं हम फालूदा। मैंने यहाँ पर ले रखा है एक गिलास। गिलास को गार्निशिंग करने के लिए मैंने ले रखा है स्ट्रॉबेरी सिरप और चॉकलेट सिरप। सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे हम जली। जली के ऊपर फलूदा सेब, उसके ऊपर सब्जा सीड। सब्जा सीड डालने के बाद उसके ऊपर हम डालेंगे इसमें रॉस मिल्क। रॉस मिल्क को डालने के बाद हमको अच्छी तरह मिलाना है। मिलाने के बाद ऊपर से डाल देंगे एक आइसक्रीम। ऊपर से डालेंगे हम नट्स, जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता और उसके ऊपर टूटी फ्रूटी और छोटा छोटा काटा हुआ केला और सेब। फिर सेम प्रोसेसिंग ऊपर से डालेंगे। दोस्तों सबसे ऊपर डालना है आइसक्रीम। आइसक्रीम के ऊपर सरप। सरप डालने के बाद थोड़ा सा नट्स। नट्स डालने के बाद ऊपर से लगा देंगे हम चेरी। और आइसक्रीम अपना चॉइस से आप जिस फ्लेवर में आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। मुझे यहाँ वानीला पसंद है तो मैं वानीला ले रहा हूँ। दोस्तों फाइनली हमारा रॉयल फलूदा बन चुका है। जितना ही सुंदर बना है उतना ही अच्छा टेस्टी भी है। ऐसे ही बने रहिए वीडियो में। मैं जल्द ही लेके आऊँगा आपके लिए एक नया वीडियो और नया रेसिपी के साथ। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।